दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और आप बोटिम का एप्लीकेशन यूज करते हैं और आपने इसका वॉलेट वाला ऑप्शन ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन आप इसमें मनी ऐड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मोबाइल टू मोबाइल पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यह सब जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको डू एयर इत्तेलात से रिलेटेड नई नई अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं तो आपने बोटिम एप्लीकेशन का यूज पहले किया होगा कॉलिंग के लिए, लेकिन दोस्तों अभी बोटिम के एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आया हुआ है जिसमें आपको इसमें वॉलेट का एक ऑप्शन दिया गया है और आप यूनियन का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इसमें बना सकते हैं, और इस एप्लीकेशन के द्वारा इंटरनेशनल ट्रांसफर, लोकल ट्रांसफर और स्कैनर से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इसके वॉलेट ऑप्शन को एक्टिवेट करना है या फिर आपको यूनियन बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करना है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जब बोटिम एप्लीकेशन में आप इसका वॉलेट वाला ऑप्शन एक्टिवेट कर लेंगे तो इसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले आपको इसमें पैसे इसकी वॉलेट में ऐड करने पड़ेंगे। वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए आपको इसके होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद बैलेंस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपको यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला डेबिट कार्ड के द्वारा और दूसरा डिपॉजिट कैश इन कियोस्क के द्वारा। आप यहाँ पर दो तरीकों से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, इसके बाद नीचे कंफर्म वाला बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई डेबिट कार्ड ऐड करके रखा हुआ है तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड की अपनी डिटेल डाल देनी है। कार्ड की डिटेल डालने के बाद आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, और इसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वहाँ पर डालकर वेरीफाई करने के बाद आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरह से पैसे ऐड करने के लिए आपको डिपॉजिट कैश इन कियोस्क पर क्लिक करना है। इसके बाद कियोस्क की लोकेशन जानने के लिए आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिया गया है, फाइंड लोकेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना एमिरेट सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही फाइंड लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपको सबसे कम डिस्टेंस पर जो कियोस्क होगा वह आपको दिखाई देगा। कियोस्क पर पहुंचने के बाद आपको इसकी स्क्रीन पर PAY का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद कियोस्क की स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्कैन QR कोड का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और फिर QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद आपको उसको मैच कर लेना है। अकाउंट मैच करने के बाद आपको जितना भी अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है उतना कैश आपको इसमें डाल देना है। कैश डालने के बाद आपके पैसे आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। पैसे ऐड होने के बाद आप मोबाइल टू मोबाइल, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, लोकल ट्रांसफ़र और आप कहीं भी QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट करना चाहें तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करके कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको QR कोड को स्कैन करके कहीं पे पेमेंट करना है तो इसके लिए आपको इसके होम पेज पर जाकर बैलेंस वाले ऑप्शन में जाना है। फिर आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे एक स्कैन टू पे का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका स्कैनिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी QR कोड स्कैन करना है आप उसको स्कैन करके उसका पेमेंट कर पाएंगे। और अगर आपको मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए आपको ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाना है, वहां पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वह डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है।
फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे के मोबाइल पर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन के द्वारा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक सेंड मनी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको कंट्री का अपना एड्रेस और आप यूएई में किस एमिरेट्स में रहते हैं वह आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट वाला बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डाल देनी है, जिस अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं। अकाउंट डिटेल डालने के बाद आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। अकाउंट नंबर ऐड होने के बाद आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी थी बोटिम वॉलेट में पैसे ऐड करने और पैसे ट्रांसफर करने के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डू या इतिसलात का नया होम वाईफाई कनेक्शन, कॉमर्शियल वाईफाई कनेक्शन या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।